नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 यानी कि सीजीएल की नई कट ऑफ। एसएससी ने रिवाइज कर दी है कट ऑफ टीयर टू के लिए, और इसके लिए जो नई कट ऑफ जारी की है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ऑफिशियल साइट एसएससी की, जिसके ऊपर रिलीज किया है रिवाइज कट ऑफ एसएससी ने टीयर टू के लिए, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बदल चुके हैं अब टीयर टू और थ्री के लिए। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या है सीजीएल की। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं राइटअप, तो राइटअप के अंदर जो कट ऑफ दी गई है वो कुछ इस तरीके से है। अगर बात करते हैं एओ पेपर के लिए, तो एसएससी ने ये कंडीशन रखी है कि कुछ आंसर कीज के मैनिपुलेशन की वजह से इस दोबारा कट ऑफ को रिलीज किया गया है। कुछ आंसर्स मिसमैच हो रहे थे और उनको रॉन्ग दिया गया था, लेकिन अब उनको रिव्यू करके एक कॉम्प्रिहेंसिव कट ऑफ दोबारा जारी की गई है एसएससी द्वारा। अगर बात करते हैं एओ की कट ऑफ की, तो पेपर वन, पेपर टू और पेपर फोर के लिए जो कट ऑफ रिलीज की एसएससी ने वो कुछ इस तरीके से है। पहले ये कट ऑफ 151 थी जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन इसे अब डिक्रीज करके 148 कर दिया गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जाहिर सी बात है इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कट ऑफ को 3 नंबर कम किया गया है जनरल कैटेगरी के अंदर। और वही बात करते हैं अगर एससी कैटेगरी की, तो 125.50 का यह कट ऑफ और 3218 बच्चे इसमें शॉर्टलिस्टेड हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 119 का यह कट ऑफ, वहीं ओबीसी के अंदर 135.50 है। सो टोटल 21,946 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एओ के पेपर के अकॉर्डिंग। और इसके बाद बात करते हैं अगर स्टैटिक्स के लिए, तो स्टैटिक्स के लिए कट ऑफ गई है 146 जनरल कैटेगरी के लिए, वहीं एससी के लिए 123, एसटी के लिए 114 और ओबीसी के लिए 135.50। और कुल 14,515 बच्चे इसमें शॉर्टलिस्टेड है जो पेपर देंगे टीयर थ्री, पेपर थ्री का जो टीयर टू में इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जो कि टीयर वन को क्लियर करके टीयर टू में पेपर वन और पेपर टू देंगे और टीयर थ्री देंगे। इसके अंदर टोटल 1,90,000 के अराउंड बच्चे शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। और इसके अंदर जो जनरल की कट ऑफ रखी गई है वो रखी गई है 126.50, जो पहले 131 थी इसे घटाकर 126.50 कर दिया गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होकर 55,387 हो गए हैं जनरल के अंदर। वहीं एससी के अंदर बात करते हैं, तो कट ऑफ 103 से घटाकर 98 कर दी गई है और 32,239 बच्चे शामिल है एससी कैटेगरी में। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 88.50 कट ऑफ कर दी गई है, जो कि काफी ज्यादा कम है अगर कंपेयर करते हैं प्रीवियस कट ऑफ के। ओबीसी की बात करते हैं तो 110 गई है कट ऑफ, जो पिछली बार कट ऑफ थी वो 115 थी। 74,604 बच्चे शॉर्टलिस्टेड हैं और कुल मिला के जो ओवरऑल शॉर्टलिस्टेड हैंगे कैंडिडेट्स वो 1,90,000 के अप्रोक्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है अभी की सिचुएशन, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है 15 फरवरी को, और कोर्ट के फैसले के बाद ये डिसाइड होगा कि जो बच्चों के मार्क्स हैं वो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल इन टीयर वन कट ऑफ। और कई बच्चे बाहर हो चुके हैं नॉर्मल पेपर के टफनेस की वजह से, और 15 फरवरी को जब कोर्ट रिलीज करेगा अपना डिसीजन, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि टीयर टू की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी, और उसके बाद ही एग्जैक्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग एसएससी बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा टीयर टू के लिए। सो अभी चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं इस कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि एसएससी को अब अपना केस वीक होता दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं 15 फरवरी को क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे के शॉर्टलिस्टेड कट ऑफ की। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी, एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।